आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर की सब्जी की बहुत ही आसान रेसिपी। वैसे तो पनीर को बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ये वाला बहुत ही सिंपल है और खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक पैन में 2 चम्मच तेल गर्म करेंगे। आप चाहिए तो 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर को मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें 10 छिली हुई लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, 2 इंच अदरक, 3 मीडियम साइज का प्याज और 2 टमाटर ले लेंगे। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा पहले लहसुन और अदरक डाल दें और इसके बाद इन दोनों को 8 से 10 सेकंड के लिए भून लें। लहसुन और अदरक जैसे ही तेल में थोड़े फ्राई हो जाएंगे ना, तब हम इसमें प्याज टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा सा पका लिया मैंने, अब हम इसमें प्याज और टमाटर साथ में डाल देंगे। प्याज टमाटर के साथ आप 8 से 10 इसमें काजू डाल दें, उससे सब्जी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, एकदम होटल जैसी सब्जी बनती है और ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आता है। तो अगर आप क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो काजू डाल दें, अगर आप क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो काजू को स्किप करें। लेकिन सिंपल काजू सबके घर में रहता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि काजू डाल दें। मिला दें इसे और प्याज टमाटर को तब तक भुनिए जब तक इसका जो टेक्सचर है वो ऐसा नहीं हो जाए। ये देखिए, अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी आप इसे ब्लेंड करें। गरम ब्लेंड करने पे कभी कभी जो स्टीम है ना वो ऐसे ब्लेंडर में भर जाता है और ढक्कन जो है वो ऐसे खुल जाता है और सारा मसाला बाहर आ जाएगा, तो उस चीज़ से बचने के लिए इसे ठंडा कर लें। अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और साथ में 1/2 छोटी चम्मच नमक, तीनों बराबर क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। तीनों को मिला देंगे हम और इसके बाद 200 ग्राम पनीर या जितना पनीर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने इतनी क्वांटिटी के लिए 200 ग्राम पनीर लिया है, पनीर के छोटे क्यूब्स करके और इन मसालों में डाल के हम इसे कोट कर लेंगे। तो ऐसे हाथों से नहीं मिक्स करें, ऐसे बोल को टॉस कर लें या फिर स्पून से मिक्स करें, क्योंकि इसमें मिर्ची है तो आपके हाथों में लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि जो मसाला हमने फ्राई किया ना उसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि मसाला को ब्लेंड करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने इसमें प्याज टमाटर इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से ये खुद ही पेस्ट बन जाएगा अच्छा खासा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन अगर आपका मसाला नहीं पीस रहा है ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मसाला पेस्ट बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो सेम पैन में 1 से 2 चम्मच तेल डालें और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा ना तब हम इसमें पनीर डाल देंगे। ध्यान रहे कि तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें, नहीं तो पनीर जो है वो चिपकने लगेंगे। और पनीर को हमें 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, अगर आपने ज़्यादा पनीर को फ्राई किया तो वो रबड़ जैसा हो जाएगा। तो बस इसके ऊपर जो हमने हल्दी मिर्च लगाया है उसे ही थोड़ा सा पका लेना है। तो यहाँ पे पनीर को हमने फ्राई कर लिया है, ये देखिए, तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हटा देंगे। अब हम फाइनल सब्जी बनाएंगे, तो आप चाहिए तो सेम पैन का इस्तेमाल करें या फिर दूसरे पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पैन में 3 से 4 चम्मच तेल डालें, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे जीरा सबसे पहले। तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें जीरा डाल दें, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 से 2 इंच दालचीनी और 1 बड़ी इलायची तोड़ के डाल दें। तीनों को थोड़ा सा पका लें, उसके बाद गैस को बंद कर दें। हमें तेल को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है हल्दी और लाल मिर्च डालने से पहले। अगर आप हल्दी और लाल मिर्च गर्म तेल में डाल देंगे तो वो जल जाएंगे। तो यहाँ पे तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिला दें इन दोनों को। गैस को अभी तक मैंने ऑन नहीं किया है, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें साथ में मसाला पेस्ट डाल के उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। तो ये हमारा कलर जो है सब्जी का वो बनके तैयार है। अब हम इसमें ये जो मसाला पेस्ट हमने बनाया है वो डाल देंगे और जब ये मसाला अच्छे से हल्दी और लाल मिर्च में मिल जाएगा ना उसके बाद ही गैस को ऑन करें। तो यहाँ पे ये सारा मसाला डाल देती हूँ मैं, इसे मिला दें और अब हम गैस को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन किया, आप देख सकते हैं। अब हम इन मसालों को 2 मिनट धीमी आँच पर पकाएंगे, पैन को कवर कर दें। 2 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने, मिला दें इसे और इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दें, 1.5 छोटे चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, धनिया थोड़ा जीरा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मिला दें इन सबको। जैसे ही मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हम पैन को कवर कर देंगे और धीमी आँच पर 1 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पर धीमी आँच पर आपको फ्लेम नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे गैस में 2 बर्नर है, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटा वाला जलता है ना तो वो नीचे से दिखता है। तब हम इसमें पानी डाल देंगे, तो 2 कप के करीब आप इसमें पानी डाल दें। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला दें। जैसे ही मसाला और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम पैन को कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे पकने देंगे। गैस का फ्लेम धीमा रखें और इसे उबाल आने तक छोड़ दें।
जैसे ही करी में उबाल आ जाएगा, ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पहले से थिक हो गई है। तो अगर आपको ये सब्जी और पतली चाहिए तो पानी ज़्यादा ऐड करें, और गाढ़ी चाहिए तो पानी का इस्तेमाल कम करें। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे, और पनीर डालने के बाद इसे ऐसे मिला दें। ध्यान रहे, पनीर डालने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे पकाना है, ताकि पनीर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे पैन को कवर कर दें और 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे पकने दें। 4 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये हमारी पनीर की सब्जी जो है वो बनके तैयार है। ग्रेवी की थिकनेस आप देख सकते हैं, एकदम स्मूथ दिख रहा है। हमने इसमें दही, क्रीम, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप इस आसान तरीके से रेस्टोरेंट जैसी सब्जी घर पे बना सकते हैं, और कसूरी मेथी की जगह आप इसमें धनिया पत्ता डालें। तो ये हमारी सब्जी जो है वो बन गई है, तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें, और ये देखिए, दिख रहा है ना एकदम होटल जैसा सब्जी। तो आप इस सब्जी को नान के साथ खाएं, कुलचा के साथ खाएं, या प्लेन रोटी या पराठे के साथ खाएं, सबके साथ ये परफेक्ट जाता है। तो ये हमारी पनीर की मज़ेदार सब्जी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।